لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبرائيل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعبة قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني الخرشي الهاشمي مولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا صلوات پڑھے بر محمد وآل عزیزان گرامی جو موضوع گفتگو آپ حضرات کے بہترین سماعتوں کے حوالے سے آپ کے درمیان میں جاری و ساری ہے وہ یہ ہے کہ مقام اہل بیت اللہ کی نگاہ میں اہل بیت کو دنیا کیا سمجھتی ہے اس پہ بحث نہیں ہو رہی ہے اہل بیت کو خدا نے کیا سمجھا اور اہل بیت کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند بنایا اس پہ گفتگو جاری و ساری ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو یعنی اس کائنات کو لاوارث نہیں چھوڑا ہم نے اس کائنات کو ان کے وارثین کے حوالے کر دیا اور وارث بھی وہ جنہیں اللہ نے چنا اور چونکہ اس نے چنا لہذا کائنات میں سب سے بہترین یہی استفائیت پہ تب ہی کوئی اترتا ہے جب اس کے مقابلے میں پورے کائنات میں اس وقت اس کا کوئی ثانی نہ ہو اور استفائیت کے منزل مولا حسین کے بارے میں یہ سمجھئے کہ کائنات کو اللہ نے تین چیزوں سے بنایا ہے مٹی ہوا اور پانی پھر آگ انسان بھی انہی چیزوں سے بنا ہے مٹی ہوا پانی اور آگ اور ان چاروں چیزوں پہ حسین کی حکومت ہے چاروں چیزوں پہ حسین کی حکومت سنیے گا دلیل مٹی ہوا پانی اور آگ آگ پر حسین کا ماتم ہوتا ہے مٹی پر حسین کی مجلس ہوتی ہے پانی پر
हुसैन की सबील लगती है, हवा पर हुसैन का अलम लहराता हुआ नजर आ। तो जो है ना आपकी, तो रोज हम थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू अजमत मजलिस इमाम हुसैन पर भी करते चले आ रहे हैं। आज एक इशारा देना चाहता हूँ कि ज़ाहिर इमाम हुसैन की अजमत क्या है। परवरदिगार आलम सबको इस शर्फ से मुशर्रफ करे। याद रखिएगा, ज़ाहिर की बहुत बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी अजमत कि हम यानी उसका इदराक नहीं कर सकते, हमारी अकलें महदूद है, जियारत का सवाब लामहदूद है। तो एक शख्स था, उसे सदा एक तमन्ना थी कि मैं जियारत पे जाऊं। तमन्नाए जियारत रखना भी बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि जो तमन्ना रखता है मौला उसे बुलाते जरूर है। सच्चे दिल से अगर कोई तमन्ना करे जाता जरूर है, जिंदगी में ना जाए तो मरने के बाद जरूर जाता है। सुनिएगा इंशाअल्लाह, ज़ाहिर इमाम हुसैन की अजमत क्या है। एक शख्स था, बड़ी आरजू थी इमाम की जियारत के लिए जाने की, सदा दुआ करता था परवरदिगार मुझे जियारत इमाम हुसैन के लिए जो है ना मेरी ख्वाहिश है, मालिक तो मुझे किसी तरह से पहुंचा दे। और साथ में एक दुआ ये भी करता था कि मालिक मैं जब जाऊं तो फिर वहीं मर जाऊं, वापस नहीं आऊं, फिर इसी दुनिया में आऊं, फिर इसी माहौल में आऊं, ये मुझे पसंद नहीं है। वहां जाऊं तो वहीं ख़त्म हो जाऊं, वहीं दफन हो जाऊं। करबला में दफन होने की भी तमन्ना थी। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और वो ज़ियारत के लिए पहुँचा। जब ज़ियारत के लिए पहुंचा तो उसने ज़ियारत की, ज़ियारत करने के बाद काफिला जब वापस आने लगा तो उसने दुआ की मौला के ज़री को पकड़ के, मौला मैंने तो ये आरज़ू की थी, ये मन्नत की थी, ये दुआएं की थी कि यहाँ आऊं तो वापस ना जाऊं, लेकिन मौला अब मेरा काफिला वापस जा रहा है, मैं क्या करूँ। रोने लगा, मुझे मौत दे दो, लेकिन मौत आई नहीं। तो बहरहाल सोचा शायद अब मौला की यही मर्ज़ी है कि मैं वापस चला जाऊं। आ गया वापस, फिर आने के बाद फिर दुआ, मुसलसल दुआ के मौला फिर मुझे ज़ियारत पे बुलाइए और इस मर्तबा मुझे वापस ना कीजिए। मुसलसल ज़री अकदस को पकड़ के दुआ करता, लेकिन फिर वही हुआ, काफिला जो है ना वापस चल पड़ा तो लेके आ गया। तीसरी मर्तबा उसने ये तय कर लिया कि अब के मैं वापस आऊँगा ही नहीं। पहुंचा जियारत पे, पहुंचने के बाद अब तमाम जियारतों से फारिग होने के बाद जब काफिला वापस आ रहा था तो अपने आप को कहीं गायब कर लिया, छुपा दिया अपने आप को। अब काफिले वाले इंतज़ार करते रहे, एक दिन इंतज़ार किया, दो दिन इंतज़ार किया, जब आया ही नहीं तो वो ये वापस चले आए, क्योंकि काफिला कितने दिन किसी के लिए इंतज़ार करता। काफिला वापस हो गया, ये ज़ाहिर वहीं रह गया। अब वहाँ रहने के बाद अब खाने पीने के लिए भी कुछ पैसों की ज़रूरत है, अब क्या करे, उसके पास कुछ था नहीं। इमाम के रोज़े में आया, आने के बाद दो रकात नमाज हाजत पढ़ी, उसके बाद इमाम से मांगा कि मौला अब मैं तो रह गया हूँ लेकिन रहने के लिए भी तो खाने की ज़रूरत है, खाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास कुछ नहीं है, काफिला चला गया, मैं क्या करूं, आपके दियार में रहूं और भूखा रह जाऊं। अभी ये दुआ कर ही रहा था कि एक अरब ने एक टोकरी खजूर दे दिए। मौला का शुक्र अदा किया, उसमें से थोड़े खजूर खाए, उसके बाद मार्केट में जाके फुटपाथ पे दुकान उसने उसी एक टोकरी खजूर की लगाई। इंसान जब मेहनत करता है, नीयत साफ होती है तो तरक्की भी होती है। तो कुछ पैसे मिले, उससे और कुछ खजूर खरीदे, धीरे 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 वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन गया, उसकी अपनी दुकान हो गई खजूर की। जब दुकान हो गई तो उसने छोटा सा मकान भी ले लिया,
वहीं रहने लगा एक साल दो साल, और रोज जाता जरी अकदस को पकड़ के रो रो के कहता, मौला मुझे यही मौत हो, यही मेरी मिट्टी हो। अच्छा, ये जो हिंदुस्तान से जो काफिले जाते थे, जब उन्हें पता चला कि हमारा एक हिंदुस्तान का आदमी वहीं रह गया है, तो कभी कभी उससे मुलाकात के लिए चले जाते, तो बाकायदा जो मुलाकात के लिए आता उसकी दावत वो करता। अब उसने एक बाकायदा ग़ुलाम भी रखा था जो उसके मकान में रहता था, खाना उना बनाता था, ये दुकान पे आता था। तो इसकी आदत थी कि जब अपने मकान से चलता तो पहले मौला अब्बास के यहाँ जाता, ज़ियारत करता, फिर वहाँ से मौला हुसैन के यहाँ आता, वहाँ से ज़ियारत करके फिर निकल के जाता अपनी दुकान पे। दुकान में अपना धंधा ख़त्म करने के बाद जब रात को वापस आता तो पहले मौला हुसैन के यहाँ जाता, ज़ियारत करता, फिर मौला अब्बास के यहाँ जाता, ज़ियारत करके फिर मकान को जाता, ताकि रोज़ ज़ियारत का भी सवाब नसीब होता रहे। अब यह हुआ कि एक दिन हिंदुस्तान से कुछ इसके रिश्तेदार पहुंच गए, तो गुलाम ने आके कहा कि देखो ऐसा है कि आपके कुछ रिश्तेदार आए हैं, इस मर्तबा जब आप घर आइएगा तो कुछ गोश्त ले आइए। उसने कहा ठीक है। उसने कुछ गोश्त खरीदा, उसके बाद वहां से आते में उसकी चूंकि आदत थी, मौला हुसैन के दरबार में पहुंचा, जियारत की, गोश्त साथ में था, फिर वहाँ से मौला अब्बास के आया, ज़ियारत की, घर आ गया, कह लो ये गोश्त पकाओ। अब उस ग़ुलाम ने उस गोश्त के कबाब बनाने चाहे, सीख में लगाने के बाद अब आग पे रखता है तो आग उसे जला नहीं रही है, परेशान हो गया एक घंटा दो घंटा, लेकिन आग गोश्त को जला ही नहीं रही है, ये भुने ही नहीं जा रहे थे। अब मसला आया उलमा के पास कि आखिर क्या वजह है कि ये गोश्त जलता क्यों नहीं है, पकता क्यों नहीं है। उलमा ने उससे पूछा तू गोश्त लाया कहाँ से, क्या जहाँ से यानी फुला कसाई के यहाँ से, क्या किधर से लेके आया, क्या इस गोश्त को लेके मैं मौला हुसैन के दरबार में गया था, फिर वहाँ से मौला अब्बास के आया था, फिर निकल के आया। तो उलमा ने कहा कि जो गोश्त हरमे इमाम हुसैन और हरमे अब्बास में हो के आ जाए उसे आग कैसे जलाएगी। तो अजीजों, जो गोश्त हरम से हो के आ जाए उसे आग नहीं जलाया करती है, जो जाहिर जियारत करके आ जाए, ये है अजमत जियारत इमाम हुसैन। बहरहाल वो मुसलसल दुआ करता था, तो एक दिन उसने महसूस किया कि कोई बुजुर्ग हस्ती उसके बराबर में खड़े हुए हैं। कहा कि देखो ऐसा है कि तुम रोज बराबर एक दुआ करते हो यहाँ पे कि तुम्हें यहाँ मौत आ जाए, ठीक है, एक हमारा काम करोगे। का क्या है कि आज रात में कब्रिस्तान में जाना और जाके देखना वहाँ क्या हो रहा है, कल सुबह हमें बताना। कहा ठीक है, हम बता देंगे आपको। अब उसके बाद ये रात को कब्रिस्तान पहुंचा, इत्तेफाक से नींद आ गई, सो गया, सुबह अजान के वक्त आँख खुली, शर्मिंदा हो गया कि पता नहीं वो बुज़ुर्ग कौन थे जिन्होंने मुझे एक छोटी सी ड्यूटी दी थी कि क्या हो रहा है बताओ, लेकिन अब मैं क्या बताऊँगा, शर्मिंदा था। आया फिर वही मज़ार में वही बुज़ुर्ग नज़र आए, क्या हुआ था रात में। कहा सरकार मुझे नींद आ गई। कहा अच्छा, आज फिर देख लेना। दूसरे रोज़ फिर नींद आ गई। तीसरे रोज़ उसने तय किया कि नहीं, आज मैं देखता हूँ क्या होता है। उस दिन शबे जुमा थी। वो कहता है कि सारी रात मुर्दे आते रहे, दफन होते रहे, मैयतें आती रही, दफन होती रहीं। अब ये परेशान कि इतनी मैयतें कहाँ से आ गईं। अब जो सुबह पहुँचा रोज़े में तो वही बुज़ुर्ग नज़र आए। पूछा क्या हुआ। कहा कि क्या बताऊं, लगता है कि पूरे करबला के लोग कल रात मर गए, सारी रात मैयतें आती रही, दफन होती रही। तो उन्होंने कहा कि देखो ये करबला वाले नहीं थे। कहा फिर जो भी करबला आने की नीयत खालिस रखता है, अगर नहीं आ सकता और मर जाता है तो मलाइका उनकी मैयतों को ला ला के दफन करते हैं, लिहाजा करबला में मरना जरूरी नहीं है, हमारा चाहने वाला जहां भी मरता है।
दफन करबला में आके होता, ये कह के गायब हो गए। तब समझ में आया कि ये कोई और नहीं थे, शायद इमाम हुसैन ने खुद ही इशारा किया। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम, हमारी जिंदगी अहले बैत के लिए है, हमारी सांसें अहले बैत के लिए है, हम जो करते हैं अहले बैत के लिए, मन्नत करते हैं तो अहले बैत के लिए, न्याज करते हैं तो अहले बैत के लिए, तबर्रुक लाते हैं तो अहले बैत के लिए, जिंदा रहते हैं उनकी मोहब्बत में, रोते हैं उनकी मोहब्बत में, हंसते हैं अहले बैत की मोहब्बत में, अगर किसी को लानत करते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत में, क्योंकि हमारा ताल्लुक अहले बैत से है, हम अहले बैत से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, और इन्होंने खुद अल्लाह का इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया कि कायनात में कुछ न था। मौला कायनात से एक शख्स ने सवाल किया, मौला कब से हो? मौला ने मुस्कुरा के कहा, जब लफ्ज कब नहीं था तब से हूं। का मौला किस वक्त से हो? का जब वक्त पैदा नहीं हुआ था उस वक्त से हूं। तो पूछा, मौला फिर कैसे थे? का जैसे वो था। देखिए, ये अजमत अहले बैत अथार है। मौला कायनात पहचान बता रहे हैं कि देखो पहचानो हम कौन है। तो इतना जिक्र किया है अहले बैत अथार ने अल्लाह के, अल्लाह ने इनके जिक्र को इबादत कह दिया। अली का जिक्र इबादत है, सवाब नहीं, इबादत। जैसे नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, जिक्र अली भी इबादत। तो हम जो यहां बैठ के जिक्र करते हैं इबादत के लिए करते हैं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने वादा किया था ना एक जुल्फिकार के आने की वजह क्या थी, उस तक पहुंचने के लिए कदम ब कदम मुझे आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं कि अली का जिक्र कैसे इबादत हो सकता है, वो तो बंदे थे, खुदा का जिक्र इबादत होता, अली का कैसे इबादत? हमने कहा, भैया आप कुरान पढ़ते हो? कहा कि हाँ। कुरान में किस किस का जिक्र है? कहा आदम का जिक्र कुरान में है, नूह का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम का जिक्र कुरान में है, मूसा और ईसा का जिक्र कुरान में है। हमने कहा नमरूद का जिक्र भी तो कुरान में है, फिरौन का जिक्र भी तो कुरान में है। कहा कि हाँ है तो सही। हमने कहा आप तरावी में फिरौन का जिक्र करें तो ये जायज है, हम मिंबर पे अली का जिक्र करें? एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली मेरे मौला, कहने लगे नहीं जिक्र कीजिए, ये माइक पे क्यों करते हो आप, माइक पे जिक्र करने की क्या जरूरत है? हमने कहा कि आप कुरान की तलावत माइक पे क्यों करते हो? कहने लगे नहीं, वो जो नहीं आए हैं उनको भी सवाब मिल जाए। हमने कहा आप कुरान सामित उसकी तलावत माइक पे कर सकते हो, हम तो कुरान नातिक का जिक्र करते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, कुरान चुपके चुपके आया है या शोर मचाता हुआ आया? चुपके चुपके आई है ना, कोई आयत मेहराब में आ गई, कोई आयत सजदे में आ गई, कोई आयत रुकू में आ गई, तो जो है ना कोई आयत मैदान जंग में आ गई, तो चुपके चुपके कुरान आया। लेकिन जुल्फिकार को जब भेजना था तो जिब्राइल शोर मचाते हुए आए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। मैं कहूंगा परवरदिगार, कुरान को तो तूने चुपके चुपके उतारा,
ज़ुल्फ़िकार को इतना शोर मचाने की जरूरत क्या थी? तो सुनिएगा अज़ान मोहतरम, जब छोटे छोटे हथियार कोई मुल्क बनाता है, पिस्टल बनाया, राइफल बनाया, तो चुपके चुपके बनते हैं, लेकिन जब कोई मिसाइल बनाता है तो हर मुल्क ऐलान करता हुआ कि फुला मिसाइल बन रही है, तो अब तक जितनी आयतें थी चुपके आ रही थी, और ज़ुल्फ़िकार किसी मिसाइल से कम नहीं थी। देखिए अल्लाह ने चार किताबें उतारी और एक आया डंडा जनाबे मूसा का। क्यों? अगर ऐसे काम नहीं चले तो इससे काम, और जो काम डंडा भी ना कर सके वो काम ज़ुल्फ़िकार करती है। देखिए एक छोटी सी बात बता दूं, जितनी चीज़ें आई ज़ुल्फ़िकार से पहले आई, इंजील आई पहले, ज़बूर पहले, तौरात पहले, कुरान भी नाजिल हो चुका। जब कुरान मुकम्मल आ गया तो फिर अल्लाह को ज़ुल्फ़िकार भेजने की क्या जरूरत थी? इसी जगह मैं लाना चाह रहा था ना आपको, तो पूरी तरीके से मुतवज्जे हो जाएं। मैं देखना चाहता हूं कि कितनों के दिल में बात उतरती है और कितनों के सरों के ऊपर से गुजरती है। देखिए कुरान आता रहा यहां तक कि मुकम्मल हो गया, अब उसके बाद तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने ज़ुल्फ़िकार को भेजा। अब सवाल यह होता है, कुरान तो भेजना ही था तो फिर ज़ुल्फ़िकार की क्या जरूरत थी? तो सुनिए उसकी वजह यह है कि अगर दो जंगें हो रही हैं, एक तरफ है रसूल, अली, कुरान, नमाज, ये सारी चीजें, दूसरी तरफ है काफिर अबू जहल, अबू लहब। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, जैसे बद्र की जंग हो रही है, एक तरफ अबू लहब अबू सुफियान, दूसरी तरफ रसूल अली कुरान, अगर मैं पूछूं अल्लाह किसके साथ है तो क्या कहेंगे आप? जिधर रसूल उधर खुदा, जिधर कुरान उधर खुदा, जिधर नमाज उधर खुदा, जिधर अली उधर खुदा। तो बद्र के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, ओहद के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसी जंग, सिफीन जैसी जंग हो रही है, इधर भी नमाज उधर भी नमाज, इधर भी कुरान उधर भी कुरान, इधर भी रोजे उधर भी रोजे, इधर भी हज उधर भी हज, अब कैसे फैसला करेंगे कि खुदा किधर है? जिधर ज़ुल्फ़िकार। सलावत बड़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बलंतर सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत अथार को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, उनके गुलाम समझ में नहीं आते। शम्स तबरेजी का नाम सुना है? मौला के ऐसे चाहने वाले, उठते याली, बैठते याली, खाते याली, पीते याली, हर वक्त अली 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 कर रहे थे। तो मौला का नाम इतना उन्होंने लिया था, इतना लिया था कि उनकी शख्सियत इतनी बुलंद हो गई थी कि एक मर्तबा वो या अली अली करते हुए जा रहे थे। मौलाना रूमी उस ज़माने के एक आलिम दीन, उन्होंने दूर से देखा कि शम्स जा रहे हैं, कहा शम्स इधर आओ। आलिम दीन ने बुलाया था, दौड़े हुए चले आए। जी सरकार फरमाइए, ये तुम हर वक्त अली 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 करते रहते हो। कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो कुछ किताबें उन्होंने उठाई, कहा ज़रा किताबें भी पढ़ लो। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे इल्म आएगा। कहा उससे क्या होगा? कहा उससे अली ज्यादा समझ में आएगा। इन्होंने कहा अच्छा, इस किताबों से अली ज्यादा समझ में आएगा? कहा हाँ, कह दीजिए। लिया, सामने तालाब था, उठा के फेंक दिया उसमें। अच्छा उस जमाने में हाथ से लिखा जाता था। मौलाना रूमी परेशान हो गए, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पानी में बहा दिया।
शम सबरेजी हंसने लगे, कहा कि फिर उस मेहनत से फायदा क्या जो चंद लम्हों में पानी में बह जाए। क्या तुम्हें मजाक सूझ रही है? तुमने मेरी पूरी किताबें जाया कर दी, उठा के पानी में डाल दिया। क्या घबराते क्यों है? अभी लेके आता हूं। कहने लगे अब ला के फायदा क्या है, तुमने तो पानी में डाल दिया, अब उसकी तहरीर भी जाया हो जाएगी। क्या बेफिक्र रहो। आगे गए, उठाया किताब, एक एक किताब को झटक रहे हैं तो पानी के बजाय धूल उड़ रहा है। हैरत में मौलाना रूमी कहते हैं, शम्स ये क्या, ये किताबें भीगी क्यों नहीं? सुनिए शम्स अब्रेजी का जुमला, कहते मेरी मर्जी नहीं थी। मौलाना रूमी ने कहा जब शम्स तबरेजी समझ में नहीं आए तो अली कैसे समझ में आएगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद आल मोहम्मद। जिसे ये दर मिल जाए, मामूली चीज नहीं है। मैंने कहा था ना कि जनाब फिज़ा के बारे में, जनाब फिज़ा झाड़ू दे रही थी तरावी का सबसे पहला पेश नमाज उबी बिन काब उधर से गुजर रहे थे, जैसे देखा तो क्या फिज़ा मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूं। फिज़ा ने कहा क्यों बद्दुआ दे रहा है? क्या क्या मतलब, मैं जन्नत लेके क्या करूंगी? क्या क्यों? क्या मकान की अजमत मकीन से होती है? उस मकान को लेके क्या करूंगी जहां कोई नहीं? जन्नत की शहजादी यहां मौजूद, जवाना ने जन्नत के सरदार यहां मौजूद। एक मरतबा उबी बिन काब कहने लगे वाकई फिज़ा तू बड़ी अजीम है। ये कह के चले गए, एक शख्स और देख रहा था, वो करीब में आया। देखिए अजमते शहजादी फिज़ा, उसने आके कहा कि फिज़ा कितनी अच्छी तेरी जिंदगी थी, शहजादी थी वहां पे, सोना चांदी पैसा खाना सब कुछ तेरे पास, लेकिन सब छोड़ छाड़ के यहाँ आई है तो यहाँ झाड़ू देना पड़ रहा है। तो जनाब फिज़ा ने पलट के कहा तू क्या समझता है मेरे पास दौलत नहीं है? क्या फिज़ा तेरे पास दौलत है? क्या बेशक है। कहाँ है दिखा? क्या वो क्या पड़ा हुआ है? क्या वो एक पत्थर है? क्या उठा उसको? उस शख्स ने उठाया, कहे क्या है ये? कहे ये पत्थर। का गौर से देख। अब जो गौर से देखा तो सोना। का फिज़ा ये तो सोना है। का बेशक सोना है। कहे ये सोना बना कैसे? का मेरी मर्जी। जब गुलामों की मर्जी ऐसी होती है, जब जनाबे फिज़ा आई थी ना शहजादी के यहां तो उस वक्त जनाबे फिज़ा को अभी शहजादी की अजमतों का पता नहीं था, तो देख रही है कि इस घर में फाके चल रहे हैं। तो फाके चल रहे थे तो एक मरतबा जनाब फिज़ा ने मौलाए कायनात से आके कहा, एक लिस्ट दी कि मौला ये चीज़ें लेके आइए। मौला मुस्कुराए का ठीक है, ला के दे दिया। तो जनाब फिज़ा ने उससे सोना बनाया एक टुकड़ा और मौला के सामने पेश किया, कहा मौला इससे कुछ राशन ले आइए। जनाब फिज़ा ने सोचा मौला खुश हो जाएंगे। मौला ने गौर से देखा उस टुकड़े को, कहा फिज़ा बहुत प्यारा सोना तूने बनाया है, लेकिन थोड़ी देर और इसको आँच पे रखती तो और प्योर हो जाता। तो मौला आपको पता है सोना बनाना? कहा फिज़ा तू अली को क्या समझती है, जरा देख जमीन की तरफ। अब जो देखा तो जमीन फटी, देखा कि सोने की नहर बह रही है। फिज़ा ने गौर से देखा, कहा मौला ये तो सोने की नहर है। कहा कि हमारे इशारों पे सारी कायनात सोने की हो सकती है, तो अली को ये सोने का टुकड़ा दे रही फिज़ा। वापस मौला ने किया, फिज़ा इसको इसी नहर में डाल दे, लेकिन घबराना नहीं, अभी तू नई नई आई है, हमारी खिदमत करते करते तू उस मंजिल पर पहुँच जाएगी कि जहां तेरी मर्जी से सोना बनेगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये घराना ऐसा है जो यहां आ गया
उसकी किस्मत चमक गई। इनकी तरफ से जिसे मिला बेहिसाब मिला, लेकिन लेने के लिए भी इंसान में तमीज़ होना चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ा कुछ मिल जाता है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। नजफ में एक स्टूडेंट था, हौजे में पढ़ता था। देखिए स्टूडेंट्स में बाज़े स्टूडेंट कभी कभी ऐसे होते हैं, कुन जहन होते हैं, बाज़े बड़े जहीन होते हैं। यह बेचारा इतना कुन जहन था कि इसे कोई दर्स समझ में नहीं आता था, तो रात भर रट्टा लगाता था। लेकिन जब सोता था ना तो सुबह को उठता था तो फ्रेश, सारी चीज़ें इरेज हो जाती थी। अब वो परेशान था और उस्ताद बराबर कहते थे, आखिर तुझे क्या हो गया, तुझे कोई बात समझ में नहीं आती। तो उसके दोस्तों के सामने वो रोता था, तो दोस्तों ने कहा कि तू नजफ में रहता है, मांग मौला से। क्यों नहीं मांगता मौला से? कहा सही कहा तुमने, मैं मौला से मांगूंगा। अब मांगने के लिए पहुंचा जरी के पास, पकड़ के रात भर रो रो के दुआएं मांगी और उसके बाद सो गया। ख्वाब में देखता है कि मौलाए मुत्तकियान मजार अकदस से बाहर आ रहे हैं। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा इल्म चाहिए मौला। कहा इल्म चाहिए? कहाँ? कहा मेरे पास आ। ये करीब में गया, मौला ने कान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूंक दिया। अब ये कहता है कि जब मैं उठा तो मेरे सामने इल्म के समंदर थे। जिस किताब को मैं उठाता मुझे पता चल जाता इसमें कौन से पेज में क्या है। तो अब जो है जो किताब खोलना चाहता उससे पहले ही से उसका इल्म होता। तो अब जहां पे ये बातें आ गई, देखिए बाज़े मर्तबा क्या होता है, कोई चीज मिल जाती है ना तो गुरूर आ जाता है, तकब्बुर पैदा हो जाता है। अब उसने क्या करना शुरू किया, जब दर्स में आता क्लास में आता तो इससे पहले कि उस्ताद कुछ पढ़ाते इसे सब कुछ मालूम हो जाता। ये गौर से उस्ताद की आंखों में देखता तो उनके दिमाग में क्या चीज है पता चल जाता। अब उस्ताद ये पढ़ाने वाले हैं ये पढ़ाने वाले हैं, तो बजाय सब्र करने के आगे आगे बोलने लगता, आगे आगे बोलने लगता। तो अब उस्ताद ने देखा कि भाई क्या बात है, अब तक बड़ा घामड़ किस्म का, कोई बात समझ में नहीं आती थी, आजकल बहुत बोलने लगा है। उस्ताद ने तारीफ कर दी, माशाल्लाह आजकल तेरे पास काफी इल्म आ गया है। जब उस्ताद ने तारीफ कर दी तो साथी जो थे ना उन्होंने और चढ़ा दिया, कि तेरा इल्म लगता है उस्ताद से ज्यादा है। अब जब जहन में यह बात आ गई, अब उस्ताद का इम्तिहान लेने के लिए क्वेश्चंस, देखिए दो तरह के आदमी होते हैं। बाज लोग आते हैं आलिम के पास सवाल करते हैं जानने के लिए, बाज लोग इम्तिहान लेने के लिए। ये इम्तिहान लेने के लिए बार बार तरह तरह के क्वेश्चन पूछता। एक दिन उस्ताद सुने, दूसरे दिन सुने, तीसरे दिन सुने, चौथे दिन उन्होंने कहा ऐसा है तुम सब जाओ शहजादे, तुम यहां बैठो, तुमसे बात करना है। वो बैठ गया। जब सब चले गए उस्ताद ने कहा आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। उन्होंने कहा क्यों नहीं बोलूंगा, मेरे पास है इल्म है ऐसा। कहा कि सुन, जिसने तेरे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ी थी उसने मेरे कान में पूरा सूरह अलहम पढ़ा है। लिहाजा गुरूर सही चीज नहीं है। याद रखिएगा, अहले बैत का चाहने वाला कभी मगरूर नहीं हुआ करता। शेख बहाई का नाम सुना आपने? शेख बहाई बहुत बड़े पाए के आलिम थे और उसी दौर में दूसरे आलिम भी थे, मीर दामाद, सैयद बुजुर्ग मीर दामाद। और उस दौर के बादशाह को बड़ा फख्र था कि मेरे दौर में दो दो आलिम, सैयद मीर दामाद जैसा और शेख बहाई जैसा। तो एक दिन बादशाह ने सोचा कि चलो इन दोनों को लेकर शिकार पे जाता हूं। देखिए आलिम किसे कहते हैं, जो आलिम होता है वो मगरूर नहीं होता। कर दोनों से कहा कि चलो शिकार के लिए। इन्होंने कहा हम क्या शिकार पे जाएंगे, आप जाइए। कहा नहीं चलना पड़ेगा। शेख बहाई दुबले पतले थे, वो घोड़े पे सवार हो गए। मीर दामाद जो थे माशाल्लाह से तंदुरुस्त थे, वो दूसरे घोड़े पे सवार हुए। शेख बहाई का घोड़ा आगे आगे जाने लगा तो बादशाह को शरारत सूझी, उसने इम्तिहान लेना चाहा।
तो मीर दामाद के पास आया, कहने लगा आलिम को आप जैसा होना चाहिए, बुर्दबार आराम आराम से चल रहे। एक वो हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो सैयद बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह तुझे नहीं पता, दरअसल इसमें उनकी गलती नहीं है, शेख बहाई की गलती नहीं है, बल्कि घोड़ा जो है जिस पे शेख बहाई सवार है वो इतना खुश है कि मुझ पे इतना बड़ा आलिम है, लिहाजा आगे आगे जा रहा है। बादशाह खामोश हो गया, अब उनके पास आया, कहने लगा आप जैसा आलिम होना चाहिए, हर मैदान में आगे आगे। एक वो हैं, पता नहीं क्या समझ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। शेख बहाई ने कहा इसमें सैयद बुजुर्ग मीरदामाद की गलती नहीं है, घोड़ा जो है असल में इनके पास इतना इल्म है कि इल्म के बोझ को घोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लिहाजा धीरे धीरे चल रहा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज आने मोहतरम याद रखिएगा, अहले बैत अथार ने अपने आप को हर जगह बताया है, समझाया है कि हम कौन है। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी मौलाए कायनात के पास आके बैठते हैं, बैठ के कहते हैं मौला मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। मौला ने कहा क्या ख्वाब देखा है जाबिर? कहा मौला मैंने देखा है कि आसमां से एक बहुत कीमती कपड़ा लटक रहा है जिसमें हीरे जवाहरा सब हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा आलम है कि आवाज़ आ रही है जिसको जितना चाहे इसमें से लेते जाओ, लेकिन कोई पूरा कपड़ा नहीं ले रहा, छोटे छोटे टुकड़े ले जा रहे हैं। मौलाए कायनात ने कहा जाबिर तूने ख्वाब नहीं देखा, ये कयामत का सामना है। वो आसमां से कपड़ा कोई और कपड़ा नहीं था बल्कि हमारा इस्लाम है, इस्लाम आया है पूरी जिंदगी को संवारने के लिए, लेकिन लोग टुकड़े टुकड़े ले जाएंगे, टुकड़े टुकड़े, किसी को मातम पसंद आ गया मातम ले लिया, किसी को नमाज पसंद आ गई नमाज ले लिया, किसी को फजाइल पसंद आ गए। मौला कहते हैं कि ये मुकम्मल जिंदगी के लिए आया है लेकिन लोग टुकड़े टुकड़े करके ले जाएंगे। क्या मौला मैंने यहीं पे नहीं ख़त्म किया है ख्वाब को, और भी आगे मैंने देखा है। क्या और क्या ख्वाब देखा है? क्या मौला मैंने देखा है कि एक बेहतरीन सोने का पिंजरा है जिसमें से बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं जब करीब में गया तो उसमें कुछ नहीं है। कहा कि ये भी तो कयामत का सामना देख रहा है, लोग ऐसे होंगे कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन जब उनके पास जाओ तो उनके पास कुछ नहीं मिलेगा, वादे बहुत करेंगे लेकिन अपने वादों पे वफा नहीं करेंगे। क्या मौला यही नहीं, और भी मैंने कुछ चीज़ें देखी। क्या और क्या चीज़ें देखी? क्या मैंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत बाग है जिसमें बेहतरीन तालाब है, लेकिन मैं जब करीब में पहुंचा तो उसमें कीचड़ ही कीचड़ है। कहा कि यह भी कयामत का सामना होगा, लोग चेहरे बड़े अच्छे बना लेंगे मजहबी चेहरे, लेकिन करीब में जाओ तो कैरेक्टर ही नहीं होगा। क्या मौला मैंने एक और चीज देखी। क्या वो क्या है? क्या मैंने देखा कि एक मैदान है जिसमें कुछ गाय हैं चर रही हैं, कुछ गाय के थन भरे हुए हैं, कुछ के थन बिल्कुल सूखे हुए हैं, लेकिन लोग हैं जिनके भरे हुए थन है उससे दूध नहीं ले रहे हैं, सूखे थन वाली गायों के पास जाके दूध खींचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से दूध ही नहीं निकलता है। मौला ने कहा यह भी कयामत का सामना है, लोग ऐसे हो जाएंगे कि जिसके पास इल्म है उनसे पूछने कोई नहीं जाएगा, उसके पास जाएंगे जो सिर्फ दिखावा करता है, लिबास है लेकिन इल्म नाम की कोई चीज नहीं है, उससे जाके मसाइल पूछेंगे। क्या मौला मैंने एक और चीज देखा। का क्या है? मैंने ऐसे जानवरों को देखा जिनके दो दो मुंह हैं, दोनों मुंह से वो खा रहे हैं लेकिन उनका पेट ही नहीं भर रहा है। क्या ये भी कयामत का सामना होगा? लोग हलाल भी खा रहे होंगे हराम भी खा रहे होंगे लेकिन उनके पेट नहीं भर रहे होंगे। कहा कि मौला फिर मैंने एक और चीज देखी। कहा वो क्या है? कहा मैंने देखा कि एक लंबा तड़ांगा आदमी है जिसके दोनों तरफ दो हौज हैं,
एक से पानी निकाल रहा है, दूसरे में वो डालता जा रहा है, उसके हाथ बड़े तेजी से चल रहे, लेकिन ना ये पानी खत्म हो रहा है ना ये हौज भर रहा है। कहा कि ये भी कयामत का सामना है, इतनी कसरत से मौतें होंगी, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मलकुल मौत होगा। आप देखोगे कैसी मौतें होती है, सुनामी आती है हजारों मर जाते हैं, जलजले आते हैं हजारों मर जाते हैं। मौला कहते हैं ना दुनिया लोगों से खाली होंगी। तो देखा आपने, ये कयामत के सामने की बातें हैं। मौला ने एहसास दिला दिया कि वो वक्त आएगा कि जिसमें इंसान को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो एक शख्स आता है मौला से, सवाल करता है, कौन से मौला? पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। मौला आप फरमाते हैं कि आपका फर्जंद कयामत के करीब जो है ना गैबत में होगा। ये कैसे मुमकिन है कि वो हाजिर भी होगा वो गायब भी होगा? इमाम ने फरमाया कि ये है, हमारा फर्जंद जो है हाजिर भी होगा गायब भी होगा। कह ये बात समझ में नहीं आती। कहा सुनना चाहते हो? कहा कह चलो मेरे साथ। पांचवें इमाम उसको लेके मस्जिद में पहुँचे। कहा देखो इस वक्त नमाज का वक्त है, सब लोग नमाज के लिए आ रहे हैं। कहा हाँ मौला नमाज के लिए आ रहे हैं। कहा देखो मैं ठीक जाके मस्जिद के बीचों बीच खड़ा हो जाता हूँ, जो आए पूछते जाना क्या तुमने इमाम मोहम्मद बाकर को देखा है? कहा ठीक है मौला। बीच मेहराब के पास इमाम खड़े हो गए, ये दरवाजे पे खड़ा हो गया। एक एक आदमी आता है, कहा तुमने इमाम को देखा? नहीं। कहा देखो दिखा भी रहा है वहाँ पे। कहा देखो वहाँ तो नहीं है? कहा नहीं वहाँ कौन है, वहाँ तो कोई नहीं है। दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, मस्जिद भर गई, इमाम खड़े मुस्कुरा रहे। ये शख्स कह रहा है मौला ये क्या, आप मुझे नजर आते हैं और किसी को नजर नहीं आते? मौला ने कहा ये हमारी मर्जी है, हम जिसे चाहे नजर आए जिसे चाहे नजर नहीं आए। इतने में अबू बसीर आए जिनके दोनों आंखों से अंधे। इमाम ने कहा जरा इससे भी पूछ लो। कहा मौला इससे क्या पूछूं, जब आप आंखों वालों को नजर नहीं आए। कहा पूछ के तो देखो। कहा चाचा अबू बसीर सलाम। कहा अलैकुम सलाम। क्या तुमने इमाम मोहम्मद बाकर को देखा? तो अबू बसीर ने गौर से उसकी तरफ देख के कहा दोनों आंखों से अंधे हैं। कहते क्या अंधा है, सामने मेरा इमाम है तुझे नजर नहीं आता? कहा मौला ये क्या? कहा ये हमारी मर्जी है, हम जिसे चाहे नजर आए जिसे चाहे नजर नहीं आए। तो अजीजान मोहतरम हम उस दौर में है जिसमें हमें इमाम से तवसुल करना जरूरी है, और हमारा इमाम जमाना मुंतजर है कि मेरे चाहने वाले 313 हो जाएं। आयतुल्ला अबुल कासिम खोई साहब के जो वालिद साहब हैं उन्होंने एक रिवायत पेश की है। उन्होंने कहा कि एक मरतबा मैं गया था ज़ियारतों पे, जब मैं नजफ पहुंचा तो मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा मकाम इमाम ज़माना। तो मुझे हैरत हुई मकाम इमाम ज़माना क्या मतलब, ये किसका मकान है? तो किसी ने कहा कि शेख अली का मकान है। कहा ये शेख अली कौन है? कहा एक मोमिन है। कहा चलो मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। आए मुलाकात किए, मुलाकात करने के बाद कहा कि ये मकाम इमाम ज़माना क्यों लिखा हुआ है? उन्होंने कहा बात यह है कि यहाँ पर एक मरतबा इमाम तशरीफ़ लाए थे। क्या कैसे इमाम तशरीफ़ लाए? तो शेख अली ने बताया कि मैं वो हूँ जो हर वक्त दुआ करते रहता था कि परवरदिगार एक मरतबा मेरी मुलाकात इमाम से हो जाए। हर नमाज में रो रो के दुआ करता था। एक दिन मैं जंगल में चला गया और रो रो के दुआ कर रहा था, क्योंकि मैंने वो रिवायत पढ़ी थी कि जब तक 313 चाहने वाले ना हो जाए इमाम जहूर नहीं फरमाएंगे। लिहाजा मैं परेशान था, मैं जंगल में रो रो के दुआ कर रहा था। इतने में मैंने कहा परवरदिगार इतने लोग चाहने वाले पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, क्या 313 नहीं है इमाम के चाहने वाले? इतने मैंने देखा कि एक नौजवान सामने से आ रहा है और आके कहा कि शेख अली तुम पे हमारा सलाम। शेख अली कहते हैं कि मैंने सोचा शायद पता नहीं कोई जान पहचान वाला है। कहा अलैकुम सलाम। कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा नहीं ये चीज़ मेरे जहन को परेशान कर रही है, इतने कायनात में इमाम के चाहने वाले, क्या 313 इमाम के चाहने वाले नहीं हैं? तो उस जवान ने मुस्कुरा के कहा कि देखो
जैसे चाहने वाले इमाम चाहते हैं वैसे चाहने वाले अभी 313 नहीं हुए। क्या आपको कैसे पता? तो मुस्कुरा के आने वाले ने कहा, मैं ही तो तुम्हारा इमाम हूं। एक मरतबा शेख अली ने हैरत से देखा, कहा मौला ये आप है? कहा बेशक मैं हूं। कहा मौला फिर ये 313 कब होंगे? कहा जब भी हो जाएंगे हमारा जहूर हो जाएगा। कहा मौला 313 नहीं है? कभी नहीं है। कहा फिर इतने? कहा ये सब चाहने वाले हैं, इनकार नहीं है कि ये चाहने वाले नहीं है, सब चाहने वाले, लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं है। कहा मौला अजीब सवाल किया, मौला इस वक्त नजफ में जैसे आप चाहते हो कितने हैं? क्या यहां सिर्फ दो हैं? क्या वो कौन है? क्या एक तुम हो, एक फुला कसाई। कहा मौला इतने उलमा मौजूद हैं? क्या सब मेरे चाहने वाले, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम, ऐसे नहीं जैसे वो कसाई। कहा कि मौला मुझे ये बात अजीब सी लग रही। क्या तुम्हें तजुर्बा चाहिए, देखना चाहते हो? क्या हाँ मौला देखना चाहूंगा। क्या जाके ऐलान कर दो कि कल शबे जुमा है, जितने उलमा है सब घर में आ जाए, तुम्हारा घर काफी बड़ा है, सहन में तुम दरी वगैरह बिछा देना, सबको सहन में बिठा देना। सहन में बिठाने के बाद तुम पहले से ही अपने कोठे पे ले जाके दो बकरों को बांध देना। अब उसके बाद मैं जब बुलाऊंगा तो ऊपर आ जाना, मैं वहां आऊंगा। कहा ठीक है। सारे उलमा आ गए। आने के बाद अब उसके बाद ये हुआ, इन्होंने पहले जाके दो बकरों को ऊपर बांध दिया। देखिए कैसी कैसी बाज़े रिवायतों को पढ़ने के बाद लोग क्या समझने लगते हैं, मौला ने उसको किस तरीके से समझा दिया। कहा कि जब सब आ गए, सब बैठ गए, बैठने के बाद कुछ रात हुई तो एक नूर चमका छत पर, उसके बाद आवाज़ आई, शेख अली ऊपर आ जाओ। शेख अली दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा कि एक बकरे को ज़बा कर दो। बकरा ज़बा हुआ पर नाले से खून नीचे आया। अब लोगों ने कहा लो वो जो रिवायत हमने पढ़ी थी ना, इमाम जब आएंगे तो सबसे पहले अपने ही चाहने वालों की गर्दन पे छुरी चलाएंगे। ये गए, इतने में आवाज आई, फुला कसाई ऊपर आ जाओ। शेख अली ऊपर ही बैठे हुए, वो कसाई ऊपर चला गया। कहा दूसरा बकरा ज़बा करो। दूसरा बकरा ज़बा हुआ, फिर खून आया। अब फिर लोग परेशान हो गए, कहा ये भी गया। अब ये हुआ कि बार बार शेख अली कह रहे हैं कि मौला सब बेचैन है आपसे मिलने के लिए। इधर उधर की बातें हो रही थी, कहा इंतज़ार करो, अब इंतज़ार करो। आधे घंटे के बाद इमाम ने कहा जाओ अब जितने हैं नीचे ऊपर बुला लाओ। आके देखा पूरा सहन खाली, पता नहीं इमाम फिर किसको बुला ले। इमाम ने कहा देखा इन लोगों को हमारी मोहब्बत पे भरोसा नहीं है, क्या हम अपने चाहने वालों की गर्दन पे छुरी चलाएंगे? तो इस किस्म की बातों को फैलाया गया है। तो अजीजाने मोहतरम याद रखिए, इमाम जरूर तलवार चलाएंगे लेकिन उस पर जो मुनाफिक मजहब होगा, जिसका अकीदा खराब होगा। तो जो है ना आपकी, तो अजीजा ने मोहतरम इमाम को पुकारने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा मौका जहां पे इमाम को पुकारा जा सकता है वो है मजलिस हुसैन, इसलिए कि मजलिस हुसैन में हमारे इमाम जमाना मौजूद रहते हैं। और रिवायतों में है कि जितना इमाम रोते हैं कायनात में कोई नहीं रोता, कोई नहीं रो सकता, इसलिए कि हम तो सुन के इतना रोते हैं। इमाम अपने इल्म गैब से देखते हैं कि करबला के वाकयात क्या हुए थे। हमारे इमाम ज़माना रो रो के कहते हैं कि हमारे जद को जितनी तरीके से कत्ल के जितने चीज़ें हैं इस्तेमाल की गई हैं। इमाम देखिए कत्ल के लिए तो तलवार इस्तेमाल की जाती है, इमाम फरमाते हैं कि हुसैन पर तलवार चलाई गई। कत्ल के लिए खंजर इस्तेमाल किया जाता है, खंजर भी चलाया गया। कत्ल के लिए पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं, करबला में पत्थर भी चलाए गए। कत्ल के लिए तीर चलाए जाते हैं, करबला में तीर भी चले, भाले भी चले। अजीजाने मोहतरम हम कहते हैं जब भाला चला तो बड़े आसानी से आपने सुन लिया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं
कि मेरे बाबा पर भालों से हमला किया गया। आप जानते हैं भाले से कैसे हमला किया जाता है? हर हथियार चलाने का एक उसूल होता है। तलवार चलाने के लिए आदमी करीब में आके चलाता है, लेकिन तीर फासले से चलाई जाती है। लेकिन भाले के लिए मिलता है कि आदमी पहले 20 कदम पीछे जाता है, फिर दौड़ता हुआ आता है और भाला चलाता है। तसव्वुर करें, हमारे चौथे सरकार फरमाते हैं कि जब एक एक भाला लगता था, पहला भाला लगा तो हुसैन ने जिसको पुकारा था वो थे अब्बास, दूसरा भाला लगा फिर अब्बास, तीसरा भाला लगा फिर अब्बास, चौथे भाले पे हुसैन ने कहा अम्मा मुझे अपनी गोदी में ले लो। माशाल्लाह आपकी आवाजें बुलंद होने लगी। अजीजा ने मोहतरम, हम ना रोएंगे तो कौन रोएगा? याद रखिएगा, जानवरों तक ने इमाम पे फरियाद की है, जानवरों तक ने इमाम पे बुका किया है। एक अजीबो गरीब वाकया मिलता, उससे मसाइब को ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह और बहुत पुरसा देंगे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जब हमें कैद खाने में ले जाया गया, ऐसा कैद खाना जिसमें दिन की धूप पड़ा करती थी, रात की ओस पड़ा करती थी, और कैदखाने की मोटी मोटी सलाखों को सकीना अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ के खड़ी होती, और जब परिंदों को देखा करती तो पूछती फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे? कहा ये अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं। कहा फूफी अम्मा ये आ कहाँ से रहे? कहा सुबह ये आशियानों से जाते हैं फिर शाम में वापस आते। कहा फूफी अम्मा हमें भी अपने घर से निकले, इतना अरसा हो गया, क्या हम मदीने नहीं जाएंगे? अजीजान मोहतरम, सैयद सज्जाद की यह हालत थी कि कैदखाने के बिल्कुल दरवाजे के पास सैयद सज्जाद सुबह को खड़े हो जाते थे इस तरह से ताकि बीबियों पे किसी की निगाह ना पड़े। दिन भर मेरा बीमार इमाम इस तरह खड़े रहता, और जब शाम होती तो सैयद सज्जाद इतने थक जाते कि वहीं पे गिर के रह जाते। एक शाम ऐसी आई कि अंधेरा फैल रहा था, इतने में एक शिकारी अपनी हिरनी को लेके जा रहा था। जब हिरनी सामने से गुजरने लगी तो अचानक हिरनी के मुंह से आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या अली इब्न हुसैन। शिकारी परेशान हो गया, मेरी हिरनी किसको सलाम कर रही है? वो भी फसी अरबी में सलाम कर रही है। परेशान होकर इधर उधर देखा, देखा कि हिरनी कैद खाने की तरफ देख रही है। शिकारी कहता है मैंने देखा कि चलो मैं जाके देखूं कौन है। मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कैद खाने के दरवाजे के बराबर एक गठरी सी पड़ी हुई है, और जब मैं करीब में पहुंचा तो उस गठरी में हरकत हुई तो पता चला वो गठरी नहीं थी बल्कि कमजोर सा नौजवान, एक लागिर सा नौजवान अपने हाथों को सलाखों के साथ मिला के धीरे धीरे खड़ा होने लगा उसके सहारे से। जब मैं करीब में पहुंचा, मैंने अंदर देखना चाहा, उस जवान ने अपने चेहरे को मेरे चेहरे के सामने कर लिया। भाई अंदर ना देखना, इसलिए कि अंदर मेरी फूफी अम्मा बेरेदा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही है। तो अजीजाने मोहतरम, अब उसके बाद शिकारी कहता है मैं इसलिए अंदर देखना चाहता हूँ कि ये हिरनी ने किसी को सलाम किया है। तो एक मर्तबा शिकारी कहता है उस बीमार ने कहा कि मुझे सलाम किया है। क्या आप कौन है? क्या मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं इमाम ज़माना हूँ, मुझे जानवर भी इज्जत करते हैं। अब ये सुना तो शिकारी ने कहा अच्छा ये हिरनी आपको क्यों सलाम कर रही थी? क्या हिरनी मुझसे कुछ फरियाद कर रही है? क्या क्या फरियाद कर रही है? ये मुझसे कह रही थी कि इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने आज उनको दूध नहीं पिलाया था और तूने इसको शिकार कर लिया। ये कह रही है हे मौला यतीमी का दर्द आपसे ज्यादा कौन जानता है? ए मौला ये मुझे ले जा रहा है, मेरे बच्चे भूखे हैं मौला, अगर ये मुझे छोड़ दे तो मैं जाके बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ मेरे मौला। जब ये सुनना था एक मर्तबा शिकारी कहता है मैं तो यजीद को देने ले जा रहा था। सैयद सज्जाद ने पूछा अच्छा ये बता अगर तू यजीद को हिरनी पेश करेगा तो यजीद उसके बदले में क्या देगा? क्या मुझे दौलत देगा? ये सुनना था। सैयद सज्जाद कहते अगर मैं तुझे पैसे दे दूँ क्या हिरनी को छोड़ देगा? क्या वो गौर से देखने लगा एक कैदी जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, वो क्या देगा? अभी वो कहता है मैंने इतना सोचा ही था
कि सैयद सज्जाद झुके, एक मुट्ठी खाक मेरी गोद में डाल दिया, कि ये तेरी दौलत है। अब जो मैंने गौर से देखा तो हीरे और जवाहरात थे। एक मर्तबा परेशान हो गया, ए मौला आपको हिरनी सलाम करती है, आपके हाथों में आई खाक हीरे जवाहरात बन जाते, फिर आपको इस तरह रहने की क्या जरूरत है। सैयद सज्जाद ने कहा मसलहत खुदा है, हम इम्तिहान की मंजिल में है। शिकारी निकल के सीधा यजीद के दरबार में पहुंचा, ए यजीद वाय हो तुझ पर, ए यजीद लानत हो तुझ पर, तूने किसको कैदी बना रखा है। खुदा की कसम ये मजबूर नहीं है, ये चाहे तो तेरे तख्ते को पलट सकता है। उसे हिरनी सलाम करती है। यजीद को गुस्सा आया, उसने जालिम को हुक्म दिया कि इसको फौरन इसका सर जुदा कर लिया जाए। एक मरतब जल्लाद आगे बढ़ा, उसके सर को जुदा करने लगा। उसने एक मरतबा कैद खाने की तरफ रुख किया, ए मौला सज्जाद मेरा आखिरी सलाम। अब जब इसको कत्ल कर दिया गया, इसकी एक 5 साल की बच्ची हुआ करती थी। जब इसकी बेवा को पता चला कि मेरे शौहर को मार डाला गया, तो उसने आके पूछा मेरे शौहर की गलती क्या थी। कहा कि पूरी बात जब उसके सामने आई तो उसके एक बात समझ में आई, क्या कोई इमाम है जो हिरनी के बच्चों की यतीमी पे भी तरस खाता है। सीधे निकल के कैदखाने आती है, अपनी बच्ची को लेके आती है, कहा ए मौला सज्जाद, ए हिरनी के बच्चों पे तरस खाने वाले, अरे हिरनी के बच्चों पे तरस खा के आपने हिरनी को आजाद करवा दिया, मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो 5 साल की है, इस बच्ची को नींद नहीं आती उसके बाबा के बिना, ये अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, इसके बाबा को बुला दो। जब सैयद सज्जाद ने सुना, एक मरतब बच्ची की तरफ रुख किया, हाँ बेटा क्या तुझे तेरा बाप चाहिए, तो बच्ची आगे बढ़ी अपने हाथों को जोड़ा, कि मैं अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, मेरा बाबा मुझसे बहुत प्यार किया करता था। सैयद सज्जाद ने कहा घबराना नहीं, देख सामने से तेरा बाबा आ रहा है। अब जो बच्ची ने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है, इधर से बच्ची दौड़ी उधर से शिकारी दौड़ा, एक दूसरे के सीने से लगा लिया एक दूसरे को। अब इधर ये मंजर सकीना देख रही, आगे बढ़ गई सकीना, ए भैया अरे मेरे बाबा को भी बुला लो, मुझे भी रात में नींद नहीं आती। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने सकीना को सीने से लगाया, ए मेरी बहन सकीना सब्र करना सब्र करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा बिहक मोहम्मद व अंतल महमूद, बिहक अली व अंतल आला, बिहक फातिमा तफातुर समावात वल अर्ज, बिहक हसन व अंतल मुहसिन, बिहक हुसैन अंता कदीमुल एहसान, वस्तजिब दुआई वक्त हाजाती बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार इस कलील आज़ादारी को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगार बेहक जहरा व अबीहा व बालुहा व बनुहा, मेरे माबूद जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमा। परवरदिगार जिनकी गोदें वीरान हैं, परवरदिगार जो साहिब औलाद नहीं है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो मकरूज़ हाल हैं उनकी कर्ज़दारियों को गैब से अता फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। अब सब मिलके हमारी तमन्नाएं, जो जो हमारी तमन्नाएं परवरदिगार की खिदमत में पेश करते हैं, इस आए करीमा के तकद्दस से इंशाअल्लाह सब की मुरादें पूरी हों। अपने हाथों को बुलंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सु, 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 अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु
ويكشف السوء اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض ما تم حسين say